वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंटर मॉडल स्टेशन काशी गंगा एक्सप्रेसवे नाउ हरिद्वार टू वाराणसी। मतलब यूपी में ही शायद आता है ना गंगा, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे। तो इंडिया में बहुत ही बड़ा यार गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये उसके बारे में खबर है, जो कि हरिद्वार टू वाराणसी तक जाएगा। ये यार कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताना, हरिद्वार टू वाराणसी कितने किलोमीटर बनता है? हाँ, तो पहले जल्दी से वीडियो देखते हैं। दी डॉन का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं भाई, काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट लग रहा है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित हो रही काशी में एक ही छत के नीचे जल, नभ और थल पर यात्री सुविधाओं वाली इंटर मॉडल स्टेशन को मूर्त रूप दिया जाएगा। करीब 3,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना अब तक की वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वाराणसी के राजघाट स्थित मालवीय पुल के पास पड़ने वाले काशी स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। पीएम मोदी ने धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को कायम रखते हुए वाराणसी के विकास के वायदे को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ी सौगात देने का मन बना लिया है। वाराणसी के काशी स्टेशन का कायाकल्प कर यहां इंटर मॉडल स्टेशन बनाने की योजना तैयार कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से यहां आने वाले देश के सैलानियों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न बस और जल मार्ग से जोड़ने की सहूलियत में तीनों चीजें सड़क परिवहन मतलब एयरपोर्ट भी होगा, रेलवे स्टेशन भी होगा। सबसे बड़ी परियोजना को मूर्त रूप देने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए काशी स्टेशन के आसपास की 40 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है। इसमें स्टेशन पर ही 5-स्टार होटल के साथ अर्बन हार्ट और सभी यात्री सुविधाएं होंगी। करीब 3,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना अब तक वाराणसी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वाराणसी का काशी स्टेशन अब इंटर मॉडल स्टेशन काशी कहलाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पुरानी योजना का नए सिरे से DPR तैयार कर लिया है। इसमें 3 मंजिल इंटर मॉडल स्टेशन काशी यानी IMS मौजूदा काशी स्टेशन और उसके आसपास बनेगा। यहां बस, ट्रेन और वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। 3,000 करोड़ की ये योजना करीब 40 एकड़ जमीन में मूर्त रूप लेगी। IMSK की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से रिंग रोड और प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज से होगी। कैंट स्थित रोडवेज बस स्टेशन भी यहीं शिफ्ट होने का प्रस्ताव है। काशी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए जाएंगे, ट्रेन का आवागमन भी बढ़ेगा। NHAI वाराणसी के तकनीकी प्रबंधक के अनुसार ग्राउंड पर इंट्रासिटी बस टर्मिनल होगा। यहां से शहर में चलने वाली बसों का आवागमन रहेगा। कैंट रोडवेज बस स्टेशन यही शिफ्ट करने की योजना है, जिससे शहर को यातायात जाम से निजात मिलेगी। 8 मीटर की ऊंचाई पर काशी रेलवे स्टेशन का रीमॉडलिंग किया जाएगा। करीब 17 मीटर की ऊंचाई पर तीसरी मंजिल पर इंटर स्टेट बस सर्विस की सुविधा रहेगी। अच्छा, इंटर मॉडल स्टेशन काशी में सीधे आने जाने के लिए रेलवे चल रही थी, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए अलग रास्ता होगा। प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में ISBT के ही लेवल पर गंगा फेसिंग 5-स्टार और 3-स्टार होटल बनेगा। इस मल्टी टर्मिनल से खिड़किया घाट और अन्य घाटों और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाने का रास्ता भी होगा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार IMSK स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना है, जिसमें यात्री संबंधित सभी सुविधाएं रहेंगी। काशी स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने और ट्रेन्स के ठहराव का प्रस्ताव है। पैसेंजर ट्रेन्स के लिए यार्ड भी बनेगा। अर्बन हार्ट के लिए एक बड़ी जगह होगी, जहां आजीविका के लिए रोजाना वेंडर्स अपना सामान बेच सकेंगे। अब बात करते हैं प्रयागराज बनारस के बीच बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में। प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेस वे के काम में प्राथमिक सर्वे का काम पूरा हो चुका है। यूपीडा अब रूट के गांव चिन्हित कर सीमांकन करेगा। अधिग्रहण वाले गांवों के किसानों से सहमति के आधार पर प्रशासन जमीन लेगा। पहाड़ से निर्मल गंगा के मैदान में उतरने के साथ उसके समानांतर वाराणसी तक एक्सप्रेस वे की योजना अब मूर्त रूप लेने लगी है।
हरिद्वार से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे को आगे वाराणसी तक ले जाने के लिए गंगा किनारे के गांवों का सहारा लिया जाएगा। प्रयागराज से वाराणसी के बीच का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब अधिग्रहण वाले गांवों के किसानों से सहमति के लिए प्रशासन खुली जल्द ही यूपीडा के अधिकारियों की वाराणसी प्रशासन के साथ समन्वय बैठक के बाद तैयार की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे को रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल से जोड़ने के लिए दो विकल्प तैयार किए गए हैं। इसमें चुनार होते हुए रामनगर तक गंगा एक्सप्रेसवे के समापन के साथ ही दूसरा विकल्प आखिरी चौराहे पर NH2 से मिलेगा। दोनों जगहों का सर्वे कराया जा चुका है। प्रयागराज से वाराणसी के बीच नया रूट बनाने की तैयारी है। एक्सप्रेसवे के लिए नए सिरे से जमीन अधिग्रहित की जाएगी। प्रयागराज से भदोही मिर्जापुर होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को रामनगर के मल्टी मॉडल टर्मिनल तक पहुंचाया जाएगा। इसमें मिर्जापुर के करीब 43 गांव, भदोही और वाराणसी के भी 30-30 गांव शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे चुनार के बाद वाराणसी कछुआ होते हुए चुनार के बाद वाराणसी के करीब 33 गांवों से होकर रामनगर तक ये 6 लेन सड़क पहुंचेगी। हाल ही में यूपीडा के अधिकारियों ने वाराणसी मिर्जापुर जिला प्रशासन से प्रस्तावित मार्गों के आसपास की जमीनों का ब्यौरा मांगा है। इसमें जमीनों की प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन आदि की रिपोर्ट तैयार की जानी है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा मिर्जापुर जिले की जमीन ली जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब प्रयागराज से वाराणसी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर रह जाएगी। शासन की मंशा है कि गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी के साथ साथ गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली समेत पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही बिहार से लिंक करने की भी संभावना तलाशी जाए। रामनगर तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को अब रिंग रोड तक विस्तार देने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों अब इस वीडियो को यार ये वीडियो खत्म हो रहा है। इसको देखकर बंदा कहता है कि कितने बड़े बड़े भाई प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब बंदा देखकर हैरान हो जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर। और सबसे पहले आते हैं पहले वाले प्रोजेक्ट पे जो था। मतलब एक होता है समझ आती है कि चलो ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये मल्टीपल पर्पज थे उसके। क्या मतलब रेलवे स्टेशन, वाटर स्टेशन, बस स्टेशन, 5-star होटल, 3-star होटल, बीच और जिम और हेलीपैड यार मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब किस टाइप का स्टेशन है? इस किस्म का इतना 3000 करोड़ रुपए इसके ऊपर लग रहा है। और बस स्टेशन होगा 3rd मंजिल पे, 17 मीटर होगा ऊपर। भाई मतलब ये इस लेवल का प्रोजेक्ट मतलब देखो। और सारा बस टर्मिनल इधर ही बनाएंगे, सारी बसेस वगैरह इधर सारी बसेस जो बाकी सारे मतलब एक और एक्सप्रेस वे इतना बड़ा बन रहा है 150 किलोमीटर का जो रह जाएगा। पहले शायद 200-300 मीटर पता नहीं है कमेंट सेक्शन में जरूर पहले कितना था। और यार एक प्रॉपर जब 120 किलोमीटर जो पहले उसके 3-4 घंटे लग जाते थे अभी उसको 2-1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है क्योंकि एक्सप्रेस वे पे स्पीड काफी ज्यादा होती, होती है। तो यार मतलब बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यूपी की जो ट्रैफिक है वो उसकी वजह से वो एक्सप्रेस वे पे इजिली वो सफर क्योंकि हाईवे के निस्बत एक्सप्रेस वे का सफर बहुत तेजी से होता है। तेजी से होता है। और दूसरी बात ये है कि यार मैं सच में खुद हैरान हूँ कि यार यूपी में बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं क्योंकि हर यूपी में बहुत ज्यादा काम स्टार्ट यूपी में। यार पहले पहले जब वो लोग कहते थे यूपी में काम नहीं होता लेकिन आज सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ यूपी में काम हो रहा है देखा जाए तो। सच में। और यार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कोई कंपनीज को बुला रहे हैं यूपी में इस टाइम मैंने जो आइडिया लगाया इस टाइम मेरे ख्याल से यूपी में सबसे ज्यादा काम पूरी दूसरी स्टेट के निस्बत यूपी में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मैंने खुद नोट की है चीज क्योंकि और दूसरी जो इंटरनेशनल कंपनीज है इन्वेस्टमेंट भी इधर बहुत ज्यादा कर रही है, ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा यूपी में हो रही है। हाँ भाई ये बात बिल्कुल आपकी क्यों। और दूसरा जो पब्लिक है क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है यार पाकिस्तान से तो ज्यादा आबादी है इसकी। हाँ, मतलब 24 करोड़ लोग क्योंकि। और दूसरी बात यह है कि इसको जो है ना ऊपर
लेकर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले जगह पे भाई स्टार्ट है। पहले यूपी के हालात भी काफी खराब थे क्योंकि उधर बहुत ही क्राइम रेट ज्यादा था, बहुत ज्यादा। अभी जो क्राइम रेट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, ये तो यूपी की वजह से हुआ है। और तब भी भाई उधर सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है और सारे इस तरह के प्रोजेक्ट। असल में मेन बात यह ना, जब से योगी पहले माफिया था, पहले माफिया था, पहले गुंडे बहुत थे, मतलब धमकाते थे, लेकिन उनका सफाया मोस्टली। लेकिन मोदी जी जब से, योगी जी और मोदी जी जब से आए ना, तो उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, ये खुद यूपी के लोग मानते हैं, यूपी के लोग मानते हैं। तो गाइस आपका क्या कहना है इन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।